सुपर फोर के आज के मुकाबले में भारत की टीम आप लोगों को एशिया कप में अपना आखिरी मुकाबला आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए देखने को मिलेगी। दरअसल भारत की टीम ऑलरेडी एशिया कप से बाहर हो चुकी है, जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही टीमों में से जो भी टीम इस मुकाबले को जीतती है वो हमें एशिया कप में नंबर थ्री पर यानी कि सेकेंड रनर अप के तौर पर क्वालिफाई करते हुए देखने को मिलेगी। ऐसे में इस मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में भी कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो अगर प्लेइंग 11 में ओपनिंग डिपार्टमेंट से बात की जाए तो केएल राहुल को आखिरी चांस दिया जा सकता है। अगर वो इस मुकाबले में भी नहीं अच्छा खेलते हैं तो फिर वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स से केएल राहुल हट सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ओपनर तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा होंगे, जो कि कमाल की फॉर्म में है। तीसरे नंबर पर होंगे भारत के हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली, नंबर फोर पर होंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर फाइव पर दीपक हुड्डा को बल्लेबाजी करवाई जाएगी, जो कि उनका एक्चुअल स्पॉट भी है। उनको अभी तक बहुत ही नीचे बल्लेबाजी करवाई जा रही थी, जो कि अभी तक चीज बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। नंबर सिक्स पर होंगे हार्दिक पांड्या, नंबर सेवन पर होंगे दिनेश कार्तिक एज अ विकेटकीपर, जिसका मतलब है ऋषभ पंत को इस मुकाबले में जगह नहीं मिलने वाली। उनके बाद नंबर सेवन पर होंगे दीपक चाहर, जिनको भुवनेश्वर कुमार की जगह टीम में शामिल किया जाएगा। नंबर नाइन की पोजीशन पर हमें देखने को मिलेंगे रविचंद्रन अश्विन, नंबर दस की पोजीशन पर होंगे अर्शदीप सिंह और नंबर ग्यारह पर हमें देखने को मिलेंगे युजवेंद्र चहल। कमेंट करके आप लोग बताइए भारत की इस प्लेइंग 11 में आप लोग क्या क्या चेंजेस होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।